हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ शॉर्ट ट्रेड टॉक मार्केट्स द वीक अहेड। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ मोमेंटम स्टॉक्स जो कि नेक्स्ट वीक में अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। लास्ट वीक में हमने कुछ स्टॉक्स आपसे शेयर किए थे जो कि बीएसई लिमिटेड और एंजल वन थे। आप देख सकते हो लास्ट वीक के जो मूवमेंट था, बीएसई हैज मूव्ड अराउंड 200 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर वी स्पोक एंड एंजल वन हैज मूव्ड अराउंड 300 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर वी डिस्कस्ड इट। तो मोमेंटम स्टॉक्स जो है वो बेसिकली यू कैन एक्सपेक्ट कुछ मोमेंटम आएगा ये वीक में और कुछ फॉलोइंग वीक्स में। बेसिकली ये ब्रेकआउट स्टॉक्स रहते हैं जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट रहता है, लोगों का बाइंग इंटरेस्ट रहता है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस कैन बी एक्सपेक्टेड टू मूव। नाउ दिस वीक वी हैव कम अप विथ थ्री इंटरेस्टिंग स्टॉक्स फॉर यू टू ट्रैक जो कि मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द वीक रहेंगे। अगेन लाइक आई सेड, ये स्टॉक्स अब आपके वॉचलिस्ट में रहने चाहिए और जब भी आपको इसमें मोमेंटम या ब्रेकआउट देखता है आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ मोमेंटम स्टॉक्स डीएलएफ, कैन बैंक और एलएनटी फाइनेंस। लेट्स गो क्विकली एंड सी द चार्ट्स एंड सी व्हाट दीज स्टॉक्स हैव इन स्टोर फॉर अस। पहले जो हम स्टॉक डिस्कस करेंगे वो है डीएलएफ। डीएलएफ जैसे आप देख सकते हो मंथली चार्ट पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फ्रॉम अबाउट अप्रैल ऑनवर्ड्स वो सिर्फ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है जो कि एक बढ़िया साइन है। अगर आप वीकली बेसिस पे देखो तो ये वीकली ब्रेकआउट दे चुका है ये वीक में। जैसे आप देख सकते हो ये वीक में ऑलरेडी 11% ऊपर आ गया है ये स्टॉक। 11% प्राइस मूव हो गया है वीक में, प्रीवियस वीक में। पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक में सम मोमेंटम बना रहे बिकॉज उसने प्रीवियस वीक्स के टॉप क्रॉस कर दिए है। ना कि सिर्फ प्रीवियस वीक के टॉप्स, आप चेक कर सकते हो कि ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2008 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट आ गया है। मतलब ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिख सकता है डीएलएफ में। 2008 में अगस्त, जुलाई अगस्त में उसने टॉप बनाया था 500 रुपए, और उसके बाद अभी 15 ईयर्स के बाद ये स्टॉक ये लेवल पे आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस भी बनाया है, वो ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दे चुका है डीएलएफ। तो प्लीज कीप दिस इन योर रडार एंड चेक व्हाट लेवल्स हैव टू गो अहेड। ये ऑल टाइम हाई नहीं है स्टॉक, पर डेफिनेटली एक लॉन्गर टाइम का ब्रेकआउट है। दूसरा स्टॉक जो हमारे रडार में है वो है कैन बैंक, कैनरा बैंक, जो कि हम कुछ टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका मंथली चार्ट, मंथली बेसिस पे अभी लास्ट मंथ ही जो कि अक्टूबर मंथ था, वो अक्टूबर मंथ में ही उसने प्रीवियस टॉप क्रॉस किया है। अभी नवंबर में चालू हुआ है, द मोमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड टू शो अप। वीकली बेसिस पे आप देखो तो वीकली लास्ट वीक में उसने 340 का एक बेस बना के वापस 380 390 लेवल्स पे आ गया है। 340 जो कि अभी रिसेंट डाउनटर्न था उसमें उसने एक बेस बनाया है। नाउ यू कैन ट्रैक के अगर ये प्रीवियस टॉप जो कि था 387 उसको क्रॉस कर देता है और लास्ट वीक का टॉप जो है 392 उसको क्रॉस कर देता है तो कुछ मूवमेंट ये स्टॉक में आ सकती है। तो कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट एंड इंश्योर कि आप ये लेवल्स के ऊपर स्टॉक को ट्रैक कीजिए। और जो तीसरा स्टॉक है हमारे वॉच लिस्ट पे वो है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स। एलएनटी फाइनेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। आप ये मंथली चार्ट देख सकते हो, ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट में आप देख सकते हो। करंटली द प्राइस इज वेरी क्लोज टू इट्स रेजिस्टेंस जोन, इसलिए ये वीक में भी थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए। इसका प्रीवियस टॉप्स इधर है तो रेजिस्टेंस है थोड़ा, बट ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चरली देखो तो मंथ ऑन मंथ इसका स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। 80 रुपीज से लेके 140 तक का जो प्राइस मूवमेंट आया है वो बहुत ही फास्ट आया है। तो मंथ ऑन मंथ द स्ट्रक्चर लुक्स ओके, तो एलएनटी फाइनेंस शुड बी ऑन योर रडार। वीकली बेसिस पे आप देखो तो वीकली पे वो एक बेस बना रहा है मूविंग एवरेज से और वहां से ऊपर जा रहा है। अभी जो स्टॉक है वो लास्ट वीक जो अभी वीक गया है वो वीक के हाई को 142 हाफ को क्रॉस कर लेता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो 142 हाफ इज गोइंग टू बी योर लेवल। ये हमारा ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें क्लोज चाहिए। अगर ये क्लोज आ गया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जल्दी से ये स्टॉक मूवमेंट देकर 170-175 लेवल्स तक ट्रेड हो सकता है। तो एलएनटी फाइनेंस, कैन बैंक और डीएलएफ ये तीन स्टॉक्स है हमारे वॉच लिस्ट पे। प्लीज कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट टू, और वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड द लेवल्स दैट वी हैव मेंशन्ड यू कैन टेक एजुकेटेड कॉल्स। एंड प्लीज रिमेंबर मैनेजिंग योर रिस्क, ओके, एंड डू नॉट टेक एनी पोजिशंस विदाउट
talking to your financial advisor. So on that note, thank you so much. I hope you enjoyed our video on Trade Talk, where we discuss not only stocks which have momentum, but also Nifty analysis, Bank Nifty analysis, and what the charts have to say. Don't forget to like, share, subscribe, and comment if these videos benefit you. And don't forget to share this with your trader friends. So on this note, this is Nainesh Thakkar signing off. Thank you so much and happy trading.